फरवरी में जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश से देश में सर्दी का असर दिखाई दिया। इस बार मार्च में भी पहाड़ों पर बारिश के साथ बर्फबारी, उत्तर और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में भी वर्षा की उम्मीद है। पश्चिमी हिमालय पर 26 से 27 फरवरी के बीच हल्की से मध्यम तीव्रता के साथ बारिश और बर्फबारी का पहला दौर आने की उम्मीद है। राज्य में 4 राष्ट्रीय राजमार्गों सहित 292 सड़कें अभी भी यातायात के लिए बंद है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार इसमें से 246 सड़कें लाहौल और स्पीति में, 29 चंबा में और 10 कुल्लू में बंद हैं। मौसम विभाग ने 26 और 27 और 29 फरवरी को मध्य पहाड़ियों में कुछ स्थानों पर और 1 मार्च को कई अन्य स्थानों पर बारिश होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। 26, 27, 29 फरवरी और 1 और 2 मार्च को अलग अलग स्थानों पर तूफान आने और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजस्थान में मंगलवार को भी राजधानी जयपुर सहित कई इलाकों में बादल छाए रहे। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा और जयपुर संभाग के 29 जिलों में बारिश की संभावना है। लगातार चल रही सर्द हवाओं से सर्दी फिर से लौट आई है। इसके कारण लोग अब दोबारा गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आने लगे हैं। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में बारिश का दौर 3 मार्च तक जारी रह सकता है। आज के मौसम की संभावित गतिविधि। मौसम एजेंसी स्काईमेट वेदर के अनुसार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और अलग अलग पहाड़ी तूफानों के साथ गरज के साथ बारिश संभव है। दक्षिणी मध्य प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़, ओडिशा, विदर्भ, झारखंड और गंगेय पश्चिम बंगाल में गरज, बिजली और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश संभव है।